सामने आ रही है एक होर मासूम मुश्किल दे विच है। 10 साल का राहुल 60 फीट तो डूंगे बोरवेल में जा फसया है। 72 घंटे हो गए ने, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है पर अजे तक उसनू बाहर कढ़न दे विच सफलता हासिल नहीं हो पा रही। हर तरीके का उपराला किया जा चुका है पर अजे भी राहुल फसया होया है। तस्वीर साढ़े तक पहुंचिया ने, थोनू दिखावांगे। हालांकि हर टाइम उसते अख रखी जा रही है कि बच्चा बोरवेल दे विच आखिर की कर रहा है। 72 घंटे हो गए ने, अजे जिंदा है राहुल, अजे उसनू बाहर कढ़न का प्रयास है किया जा रहा है पर अजे सफलता हासिल नहीं हुई है। तो लगभग शुक्रवार को दोपहर 2 बजे खेडता होया गायब हो जाता है। मापे और पिंड वासी उसनू लभण लई निकलते हैं तो बोरवेल तो उसकी आवाज़ा सुनाई देंदियां ने। उस तो बाद हड़कंप मच जाता है, प्रशासन को फोन किया जाता है, NDRF दी टीम्स पहुँचदियां ने। 5 बजे के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है पर अजे तक उसनू बाहर नहीं कढ़िया जा सकिया। तस्वीर साढ़े तक पहुँचिया ने, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लाइव तस्वीर थानू दिखावांगे। तो कुछ समय पहले पंजाब के हुशियारपुर के भी रितिक नाम का एक बच्चा बोरवेल में जा डिगदा, अजे उसनू बाहर जरूर कढ़ लिता जांदा है पर उसकी जान नहीं बच पाती। पर इस खबर थानू दसदी है छत्तीसगढ़ तो सामने आ रही है जिसके एक बच्चा बोरवेल में जा डिगया और उसनू उस तक पहुँचने लिए टनल बनाने का काम किया जा रहा है। हर तरीके का उपराला अपनाया गया पर उसनू बाहर नहीं कढ़िया जा सकिया। तो हुण राहुल नू बाहर कढ़न लिए टनल बनाया जा रहा, एक चट्टान है जो इस वक्त ऑब्स्टिकल बन रहा है पर फिर भी काम काज जारी है कि किस तरीके दे नाल राहुल नू बाहर कढ़िया जा सके। तो तस्वीर थानू दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन दिया, रेस्क्यू का काम जारी है। गड्ढे दे विच पानी भी लगातार पहुँच रहा है, बाल्टी दे नाल उसनू बाहर कढ़िया जा रहा है पर ज़्यादा देर तक ये संभव नहीं है। तो पानी दे स्तर नू भी घटाया जा रहा है और तस्वीर थानू दिखा रहे हैं कि टनल बनाया जा रहा, राहुल नू बाहर कढ़न लई टनल बनाया जा रहा है पर इस दे विच भी काफ़ी समा लग रहा है। और ये भी किया जा रहा है कि अजे 4 तो 5 घंटे होर लग सकते ने, टनल तैयार होएगा उस तो बाद राहुल नू बाहर कढ़िया जा सकेगा। तो यह खबर छत्तीसगढ़ तो है, पिरगिव पिंड दे विच बोरवेल दे विच जा गिरे बच्चा, 10 साल इसकी उम्र दसी जा रही है, 72 घंटे तो वध हो चुके ने, 60 फुट तो भी वधेरे डूंगाई दे विच जा फसया होया। रोबोटिक्स तरीका भी अपनाया गया पर वह भी फेल हो गया। तो उस तो बाद टनल के जरिए उसनू बाहर कढ़न का प्लान बनाया जाता है। टनल दे राह दे विच भी एक चट्टान नज़र आ रही है जिसनू हालांकि साइड करके टनल बनाने की कोशिश की जा रही है और मूवमेंट भी लगातार उसकी कैप्चर हो रही है। हालांकि बच्चा अजे ठीक दिखाई दे रहा है, खाण पीन लिए भी उसनू चीज़ा पहुँचाई जा रही ने, तो मूवमेंट भी की जा रही है। हालांकि ये भी सामने आता है कि कुछ समय नहीं राहुल सो जाता है तो मूवमेंट नहीं होंगी, तो कई घबरा भी जाते हैं पर उसकी मूवमेंट नू कैमरिया राही लगातार कैप्चर किया जा रहा है। तो तस्वीर थानू दिखा रहा, बच्चा शुक्रवार दोपहर 2 बजे खेडता होया गायब हो जाता है, कुछ पता नहीं लग रहा सी। तो बच्चे नू लभण लई माता पिता और पिंड वासी निकलते हैं तो बोरवेल तो आवाज़ आती है, प्रशासन नू सूचना दिती जाती है और 5 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होंदा है। कलैक्टर ACP की मौजूदगी दे विच JCB तो खुदाई का काम शुरू किया जाता है। SDRF NDRF की टीम पहुँचदिया ने और देर रात तक सेना के जवान भी मौके पर पहुँचते हैं। तो शनिवार को रोबोट इंजीनियर महेश नू बुलाया जाता है, रोबोटिक्स का तरीका भी अपनाया जाता है पर वो असफल रहिंदा है। माइनिंग एक्सपर्ट नू बुलाया गया, टनल बनाने की कोशिश की जा रही है, चट्टान विच आ रही है जिसनू तोड़न की कोशिश की जा रही है। वड्डी मशीन के नाल ड्रिलिंग का काम रोक दिता गया, छोटी मशीन तो ही ड्रिल किया जा रहा है। तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन दिया लाइव थानू दिखा रहे हैं। तो इस तो पहले पंजाब का रितिक भी इस तरह बोरवेल में जा डिगदा पर उसनू बचाया जाता है, बाहर जिले आया जाता है पर उसकी जान नहीं बच पाती। इस तो पहले फतेहवीर मासूम बच्चा जो बोरवेल में जा डिगदा है उसनू भी बाहर जरूर कढ़ लिता जाता है पर जान नहीं बचाई जा सकती उसकी। और उस तो बाद हुण राहुल छत्तीसगढ़ तो तस्वीर थानू दिखा रहे हैं, राहुल भी बोरवेल में जा डिगया और लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन तुसी देखो किस तरह बच्चे की मूवमेंट लगातार कैप्चर की जा रही है। और अक्सर अजिहियां
घटनावां पंजाब पर तो देश पर तो सामने आ रही ने अणगहली वरती जा रही है। हालांकि पंजाब सरकार ने सख्त कदम चके ने कि जिदे भी जमीन ते बोरवेल होएगा जिसनों टक्या नहीं गया तो उसते कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और देश पर तो जी तस्वीर सामने आ रही ने अणगहली वरती जाती है जिस तो बाद बच्चा की जान खतरे च पै जाती है। तो लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर थानू दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ दे पिरीव पिंड दे विच 10 साल बच्चा राहुल बोरवेल में जा डिग गया और किस तरीके दे नाल 72 घंटे हो गए ने अजे भी फसया होया और बाहर कढ़न दा ऑपरेशन जारी है।